दिग्गज राजनीतिक लोगों के बीच पत्रकार संतोष शर्मा ने गोंडा सदर से नामांकन कर ताल ठोकी। गोंडा जनपद में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पांचवें चरण के नामांकन के आखिरी दौर में गोंडा सदर विधानसभा से पत्रकार वरिष्ठ समाजसेवी संतोष कुमार शर्मा ने नैतिक दल से नामांकन किया है। संतोष शर्मा बड़े राजनीतिक सूरमाओं को चुनौती देते नजर आएंगे। मालूम हो कि संतोष शर्मा पेशे से पत्रकार हैं, जो कि निष्पक्ष रूप से आम जनमानस की आवाज बनकर लड़ते आ रहे हैं। उनके चुनाव में उतरने से गरीब मजदूरों, रिक्शा चालकों सहित पत्रकारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आम जनमानस में उनके इस चुनाव लड़ने के फैसले पर उत्सुकता दिखाई दी। एक तरफ सदर विधानसभा में जहां सूरत सिंह समाजवादी पार्टी से, सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह भाजपा से, मोहम्मद जकी बसपा से, कांग्रेस ने रमा कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में भाजपा और सपा में बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद बनती दिखाई दे रही। वहीं नैतिक दल से संतोष शर्मा के चुनाव लड़ने से दिग्गज नेताओं में खलबली मच गई है। संतोष ने नामांकन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये चुनाव आम जनमानस का चुनाव है, जहां लोग महंगी गाड़ियों से अपना रौब जमाते हुए प्रचार करते नजर आएंगे। सर आपका नाम क्या है? संतोष शर्मा। मैं कहते हैं भाई साहब, किस पार्टी से? नैतिक पार्टी से सदर विधानसभा 296 से चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जाएंगे? देखो सर, पता हमारे यहाँ जो नौजवान साथी हैं, बीएड एमए एमएससी किए हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सेवा प्रदाता किया गया जिसको 9776 रुपया वेतन मिल रहा है, उस कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे, कैसे शादी होगी, कैसे खाएंगे? और ये नेता जो है, कोई भी राष्ट्रीय दल हो कि XYZ कोई भी हो, कोरोना ऐसे महामारी में हर सरकारी कर्मचारियों का वेतन कटा था एक एक दिन का, और इनका वेतन उस अवधि में इनका वेतन बढ़ाया गया। क्या इनके लिए कोरोना नहीं था? सबसे बड़ी चीज, अगस्त 2015 में एक आदेश पारित हुआ था कि चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे नेता हो, उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में, परंतु उनके बच्चे आज तक सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नहीं गए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था भी हमारी चौपट होती जा रही है, हमेशा पर्चा लीक हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार इस कार्यकाल में बढ़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं। गाय जो गरीब का, गरीब खेत किसान का साढ़ चल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कहते परिवारवाद वंशवाद खत्म कर देंगे, लेकिन आज भी परिवारवाद वंशवाद हावी है, इसको खत्म करना है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये खत्म नहीं होगा। जनता को चाहिए एक हो और परिवारवाद वंशवाद खत्म करें। गोंडा में दो दिग्गज बाहुबली नेताओं के बीच में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा संभव है कि आप चुनाव जीत सकते हैं? जीते हारे इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन दिग्गज कोई नहीं, बाहुबली कोई नहीं होता। जनता जिसको मत देती है, प्रेम देती है, आशीर्वाद देती है, वही चुनाव जीतता है। अच्छा, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इन मुद्दों को आप खत्म करेंगे, इन समस्याओं को खत्म कर सकते? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि छोटे से छोटा वर्ग का, छोटे से छोटा कमजोर भी चुनाव मैदान में आए, जो हमारा औकात होगा, जो हमारी ताकत होगी, उसको चुनाव लड़ाएंगे। यदि कोई कमजोर प्रत्याशी जीत जाता है तो विकास करता है, यदि परिवारवाद वंशवाद का जीतता है तो कोई विकास नहीं होता, बाकी विनाश होता है, जबरन कब्जा होता है, जबरन सब होता है। हाँ, अपील यही करना चाहिए भाइयों, जो निष्पक्ष जमीनी प्रत्याशी उसे वोट दे, परिवारवाद वंशवाद को मत दें।